वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। आज हम टॉपिक ले रहे हैं ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी, जिसमें हम कंपनी ऑडिटर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। नाउ सबसे पहले समझते हैं कि ऑडिटर क्या होता है। ऑडिटर, जैसे हमने पहले वीडियोस में पढ़ा है, अगर आपने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी तो आप जरूर देखिए, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ ऑडिट पढ़े हैं, जिसमें इंटरनल ऑडिटर होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर होता है। तो जो ऑडिटर होता है वो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। उसका बेसिक पर्पस ये होता है कि जो भी बिजनेस या कंपनी है उसके जो अकाउंट्स बनाए हैं उसने, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, सारे अकाउंट्स को चेक किया जाए, एग्जामाइन किया जाए कि जो भी हमने बनाया है वो एक्यूरेट बनाया है और सारी पॉलिसीज को देखते हुए बनाई गई है। और उसके बाद उसकी मेन बात होती है कि वो एक रिपोर्ट देता है जब वो सारे अकाउंट्स को एग्जामिन कर देता है कि क्या उसने प्रोसीजर्स निभाए ऑडिट करने पे और उसको क्या उस चीज का रिजल्ट मिला, कि अकाउंट सही थे, गलत थे, कुछ फ्रॉड था, एरर था, इन सब के बारे में होता है। उसके बाद ये जो रिपोर्ट बनती है ये शेयर होल्डर्स को दी जाती है और सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं फिर एक कंपनी और उसके बिजनेस की मीटिंग में। एवरी ईयर जो मीटिंग होती है, जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें फिर डिस्कस की जाती है उसके बाद। तो आज हम कंपनी ऑडिटर के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कंपनी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि जो कंपनी ऑडिटर होता है उसके पास क्या क्या पावर्स होती हैं, ठीक है, और उसके बाद उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं और क्या क्या लाइबिलिटीज हैं। ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जो अपॉइंटमेंट होती है, फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है। जैसे ही एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है यानी कि बनती है, उसके 30 डेज के अंदर अंदर एक फर्स्ट ऑडिटर को एम्प्लॉय किया जाता है, जो कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो एक फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। अब वो फर्स्ट ऑडिटर कब तक रहता है उस कंपनी में? अंटिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, मतलब कि जब तक हमारी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होती है तब तक तो वो रहते ही हैं। अब उसके बाद हो सकता है कि रिन्यू भी हो उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी एग्रीमेंट है कंपनी के साथ, लेकिन जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है वो जब 30 डेज जितना 30 डेज डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से उतना डायरेक्टर को अपॉइंट करना होगा। देन वी हैव सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स मतलब हर ईयर में, ईच ईयर, एवरी ईयर अपॉइंट किए जाते हैं हर जनरल मीटिंग में। और ये डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स, यहाँ पर सब्सिक्वेंट ऑडिटर बाय शेयर होल्डर भी अपॉइंट होते हैं। देन वी हैव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है विद इन द 60 डेज, और जो फर्स्ट ऑडिटर जो गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर है विद इन 60 डेज हमको अपॉइंट करना होता है। और जो ये अपॉइंट करते हैं वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, जो अपॉइंट करते हैं फर्स्ट ऑडिटर को। देन इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी, अब कई बार हो सकता है कि कैजुअल वैकेंसी आ जाए ऑडिटर की, तो तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। कैजुअल वैकेंसी आ सकती है अगर कोई हमारा एग्जिस्टिंग ऑडिटर है वो रिजाइन कर रहा है तो एक कैजुअल वैकेंसी आ जाएगी, तब वो जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने चार पढ़े। इसके बाद हो सकता है कि कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जहां पे हमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो कई बार हम एक ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। हो सकता है कि कोई ऑडिटर रिटायर हो रहा हो तो उसकी प्लेस में, रिटायरिंग ऑडिटर की प्लेस में, और थ्रू ऑडिट कमेटी। अपॉइंटमेंट थ्रू ऑडिट कमेटी का मतलब है कि जब एक कमेटी बैठती है स्पेशली ऑडिट के बारे में बात करने के लिए, तो वो कंपनी जिसको भी अपॉइंट करना चाहेगी एज अ ऑडिटर वो कर सकती है, ठीक है। उस कमेटी की बात माननी होगी सारी कंपनी को। अब हम देख रहे हैं राइट्स एंड पावर्स क्या क्या होती हैं कंपनी ऑडिटर की। तो उसकी पावर होती है, सबसे पहले तो हर ऑडिटर का, एक हर कंपनी ऑडिटर का राइट है कि वो सारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करे। सो टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड उस इंफॉर्मेशन का जो जो एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं कंपनी वाले वो देंगे, ठीक है। देन जो भी सारे बुक्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एवरीथिंग, उसकी एक्सेसिबिलिटी ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, एवरीथिंग. ठीक है. देन द नेक्स्ट राइट इज जो भी कंपनी की ब्रांचेस हैं उस ब्रांचेस में वो विजिट कर सके, उसको कोई रोके ना. सो टू विजिट ब्रांचेस ये राइट है. देन राइट ऑफ पोजेशन, ये पॉइंट मैं आपको समझाती हूँ. इसका मतलब है कि हो सकता है जो क्लाइंट है कंपनी का या बिजनेस का, हाँ यहाँ पे कंपनी की बात हो रही है, तो जो क्लाइंट है कंपनी का अगर उन्होंने कोई पेमेंट नहीं करी है, कोई ड्यू है उनकी पेमेंट और उन्होंने अब तक नहीं करी है, तो राइट है ऑडिटर के पास कि वो उनकी बुक्स को अपने पास पोजेशन में रख सकता. देन टू अटेंड जनरल मीटिंग, जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की वो ऑडिटर अटेंड कर सकता है, उसके पास ये राइट है. ठीक है. अब देखते हैं क्या क्या ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज है. सो ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज जो ऑडिटर के पास, कंपनी ऑडिटर के पास होती हैं, सबसे पहले तो उसकी ड्यूटी है कि वो सारी चीजों को इंक्वायर करे, मतलब सारी चीजें के बारे में इंफॉर्मेशन ले, सब कुछ समझे. दूसरी बात आती है कि उसकी ड्यूटी है कि जब वो अपना ऑडिट कर ले कंपनी के सारे अकाउंट्स को तो रिपोर्ट बनाए. सो टू मेक रिपोर्ट उसकी ड्यूटी है. थर्ड ड्यूटी उसकी ये है कि जो भी स्टेटमेंट वो अपने रिपोर्ट में लिखे वो करेक्ट हो, यानी कि वो जो भी स्टेटमेंट्स वो लिख रहा है उसमें वो ये मेंशन करे कि सारी बुक्स उसने देखी हैं, सारी बुक्स उसको प्रोवाइड की गई थी कंपनी की ओर से और सारी बुक्स देखते हुए उसने ये रिजल्ट बनाया है. देन नेक्स्ट ड्यूटी है कि अगर वो कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट लिख रहा है रिपोर्ट तो उसके वो रीजंस दे. ठीक है कि क्या रीजन की वजह से, क्या ऐसा एरर था या फ्रॉड था जो उसको पता लगा है, तो उसके वो रीजन देना होगा उस नेगेटिव स्टेटमेंट का. फिफ्थ है कि ड्यूटी है कि जब भी आप रिपोर्ट बनाओ तो उसमें अपना सिग्नेचर करो, एक अथॉरिटी लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो उस चीज की, तो ये आपकी ड्यूटी है, एक ऑडिटर की ड्यूटी है. देन वी हैव जो हमने पढ़ा कि ऑडिट कमेटी बैठती है, ऑडिट कमेटी होती है कंपनी में, उस ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स को वो अटेंड करे, ये भी एक कंपनी ऑडिटर की ड्यूटी है, अटेंड ऑडिट कमेटी मीटिंग्स. अब ये ड्यूटीज तो आती हैं एक प्रोफेशन को लेके, लेकिन कई मॉरल ड्यूटीज भी होती हैं, कई एथिकल ड्यूटीज भी होती हैं. क्या क्या एथिकल ड्यूटीज की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, ये एथिकल ड्यूटीज बहुत कॉमन है, ये हर प्रोफेशन में यूज होती हैं, तो आप ये बहुत आराम से लिख सकते हैं अपने एग्जाम्स में. तो एथिकल ड्यूटीज में होता है कि लॉयल्टी दिखाए वो अपने वर्क की तरफ. ठीक है, लॉयल्टी होनी चाहिए, कुछ भी फ्रॉड ना करो आप. देन अपडेटेड नॉलेज, मतलब जो भी आप वर्क कर रहे हैं कोई भी प्रोफेशन में उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसका कंटेंट नॉलेज, आप हमेशा अपडेटेड रहें उस चीज से. देन आप जो भी प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन की इज्जत करके प्रोफेशनलिज्म दिखाएं, ये भी एक एथिकल ड्यूटी होती है कंपनी ऑडिटर की. देन वी हैव ऑब्लिग टू सेफगार्ड सीक्रेट्स, दैट मीन्स कि अगर कोई भी कंपनी की आपको सीक्रेट्स पता है तो उस ऑडिटर का मेन मकसद ये होना चाहिए कि वो सीक्रेट्स लीक ना हो. ठीक है, तो कंपनी टू कंपनी उसका एक ऑब्लिगेशन है टू सेफगार्ड सीक्रेट्स. तो ये थे हमारे राइट्स, ड्यूटीज, अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर.